ऐसा लगता है कि सारी दुनिया टाट की बनी है और वो अकेली है जो मखमल का पैगाम लगी खड़ी है। वैसे इनका नाम ईमान, वैसे इनका नाम ईमान ही होना चाहिए। ये वही बीमारी है जिसका तुम लोग बार बार जिक्र करते हो, जिक्र करते हो। वाकई बहुत बुरी, वाकई बहुत बुरी। करूँ सजदा अगर तुम मोहब्बत का मजाक उड़ाते हो तो देवता तुमसे नाराज हो जाते और अपना शहर बचाते हैं। अरे ईमान बेटा डर गई क्या? ये हम्माद मियां है, अपने ही घर का बच्चा है और ये मेरी गोद में खेल कर जवान हुआ है। तो ईमान परेशान हो गई है, चलो तुम उठाओ जल्दी से। शाबाश, तुम ठीक तो हो ना? चलो शाबाश जल्दी उठाओ। रशीदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चियां नहीं आई अभी तक? जी बस आती ही होंगी, आपने अब्दुल्ला को सख्त ताकीद तो कर दी थी ना? रशीदा तुमसे कहा भी था कि बच्चियों के साथ तुम खुद जाओ तकरीब में, ताकि कोई फजूल किस्म का हंगामा या खराफात शुरू होने से पहले उनको घर ले आओ। क्या हुआ अब्दुल्ला, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, खैरियत तो? हाँ, असल में ताया जान ने हमें मगरिब तक के लिए इजाज़त दी थी। घेरा बढ़ता जा रहा है, अगर कोई अंदर जनाना में जाके इतला कर दे कि हमें निकलना है तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब अब्दुल्ला तो वहाँ मर्दान खाने में बेचारा बैठा होगा, ज्यादा से ज्यादा अंदर पैगाम ही भिजवा सकता होगा ना, और अगर लड़कियाँ ना निकलें तो वो क्या कर सकता है? अरे हमाद बाबा, आप यहाँ हैं, अच्छा हो गया आप दोनों मिल गए। वो खाने का टाइम हो गया है, अगर आप इजाज़त दें तो खाना लगवा दो। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है शाकिर, लेकिन अब्दुल्ला आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। अश्विन के जाने का वक्त हो गया तो ये आपसे इजाज़त चाह रहे हैं। क्यों? अरे कैसी हो सकते हैं अब्दुल्ला मियाँ, हैं हरगिज़ नहीं, मैं खाना खाए बगैर आपको नहीं जाने दूँगा। चलिए अंदर। शाकिर चाचा, आप ताया जान की तबीयत से वाकिफ़ हैं, उन्होंने हमें सिर्फ मगरिब तक की इजाज़त। मौलवी साहब की तुम फिक्र ना करो, निग्गत हमारी बेटी है तो उनकी भी बेटी है। मौलवी साहब ने अगर आज मनमानी की तो मैं उनसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। और मुझे तो इस शाकिर पे भी सख्त गुस्सा आ रहा है, मैंने उससे कहा था उससे कि बच्चियों को वक्त पे घर भिजवा दे। चलो बेटे। लेकिन शाकिर चाचा, असल में अंधेरा काफ़ी हो गया है और आप जानते हैं कि हमारे घर की तरफ रात के वक्त सवारी नहीं मिलती, और इस तरह रात में घर वालों को सड़क पर लेकर खड़े रहना मुनासिब नहीं होगा। नहीं नहीं करने से क्या, फिक्र ना करें, मैं आपको आपसे कट ऑफ करता हूँ। लो जाओ, मेरा हमार बाबा हो सब मसले हाल हो जाते हैं। नहीं बिला वजह आपको परेशानी होगी, हमारा परेशानी पैदल थोड़ी जा रहा हूँ, गाड़ी पे जाना है। आ जाओ आ जाओ, चलो अंदर चलो, चलो खाना खाता है। आ जाओ आ जाओ। वो बराती हैं, दूर से आए हैं, पहले उनको खिलाना है। मंगनी ब्याह की तकरीबें देर सवेर हो ही जाती है, अगर आपको इतना ही हलकान और परेशान होना था तो आप उन्हें जाने मत दिया करें। यहाँ आप परेशान हो रहे हैं, उधर वो बेचारी परेशान होंगी। हर बात के लिए कोई ना कोई दलील ढूंढ के ले आती हो रशीदा तुम भी। हमाद बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। कैसी बातें कर रहे हैं शाकिर, मेरी बहन की तकलीफ थी, मैं नहीं आता तो और कौन आता? अब्दुल्ला प्लीज बैठिए ना। आओ अब्दुल्ला बेटा, बैठिए ना। आप आ जाओ बेटा, आ जाओ, आओ बेटा, आप आगे बैठ जाइए। वो मैं, अरे क्या कर रहे हैं, कम से कम आज के दिन तो नहीं। इजाजत दीजिए तो बहुत जल्दी चक्कर लगाऊंगा, और निकल का बहुत ख्याल रखिएगा। जी बड़ी मेहरबानी। अब्दुल्ला बेटा अस्सलाम वालेकुम, मेरा मौलवी साहब को सलाम कहिएगा।
जी ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। आप हमें यहाँ रास्ते में ही उतार दें, हम इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, आधा रास्ता तो हो ही गया, घर पास ही तो है आपका। ज़्यादा अंदर जाना मुनासिब नहीं है, यहीं रोक दें, हम यहाँ से चले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तकलीफ़ दी यहाँ तक आने की। आप क्यों शुक्रिया कर रहे हैं, बात मेरी बात, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामुअलैकुम। ये हमाद कहाँ है, कहाँ गायब रहता है, अब तो शक्ल ही नज़र नहीं आती, क्या करता रहता है आजकल? होंगे साहब किसी सोशल वर्क में मसरूफ, नौकर की बीमारी की वजह से परेशान, या फिर किसी की रुखसती में शरीक होंगे। हाउ डिस्गस्टिंग। डोंट वरी, आइंदा आने वाले इलेक्शन में हम उसके इस कमाल का इस्तेमाल करेंगे, कैच करेंगे उसको। भाई हम में से कोई इन लोगों को डील करने वाला भी तो होना चाहिए ना। इलेक्शन की हद तक तो ठीक है, लेकिन आम जिंदगी में मुझे इसका ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो कहती हूँ अमजद उसे फर्दर स्टडीज़ के लिए भिजवा दें, जब तक वहाँ रहा बिल्कुल ठीक रहा, यहाँ रहेगा तो इन लोगों की तरह अजीब हो जाएगा। मुझे तो इसमें कुछ अजीब नहीं लगता, वो बचपन से ही शाकिर से बहुत अटैच्ड है। अगर आपको याद हो तो जब आप हमें अकेला छोड़ के अपने फॉरेन टूर्स पर बाहर चली जाया करती थी तो शाकिर ही हमारा ध्यान रखता था। इसी काम की तनख्वाह मिलती है इन्हें, और इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि इन्हें घर में ही घुसा लिया जाए। अब सज्जाद भी तो है, इन्हीं नौकरों की देखभाल में बड़ा हुआ है, ये कैसी ग्रेसफुल लाइफ गुजार रहा है। दोनों भाई हैं लेकिन कितना फर्क है दोनों में। गुड मॉर्निंग। 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 तो आँख खुल गई शहजादे की, हैं जी, रात को बहुत देर से सोया था इसलिए जल्दी आँख खुल ही नहीं सकी। ओह, लगता है ड्राइवर के यहाँ से रात को बहुत देर से वापसी हुई थी आपकी। भाभी शाकिर मेरे लिए सिर्फ ड्राइवर नहीं, इससे बढ़ के बहुत कुछ है। और ये बात भी सच है कि इस रिश्ते को आज तक मैं कोई नाम नहीं दे सका हूँ, इसलिए मैंने हमेशा उनको शाकिर के नाम से पुकारा है। और यूँ भी उसकी फैमिली और वो सारे लोग हमारे घर से बहुत करीब है। शाकिर के ख़ानदान की ये तीसरी जनरेशन है जो दादा बा के ज़माने से हम लोगों की खिदमत करती आई है।
बहुत हक बनता है उन लोगों का हमारे ऊपर। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि तुम प्लीज, इस मौजू पे हम दर्जनों बार पहले भी बहस कर चुके हैं और कोई फायदा नहीं हुआ। आप लोग अपनी जिंदगी जैसे गुजारना चाहते हैं गुजारें, लेकिन लेट मी लिव माई लाइफ द वे आई लाइक।